जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी। दिल से निकलेगी ना मरकर भी वतन की उल्फत, दिल से निकलेगी ना मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वफा आएगी। आज़ादी के 75 साल जश्न पर हमारी ख़ास पेशकश ए वतन तेरे लिए में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूँ सुम्बुल शकील। नाज़रीन, यूँ तो हर साल हम आज़ादी का जश्न बड़े जोश व खरोश के साथ मनाते हैं, लेकिन इस बार ये जश्न और भी ख़ास हो जाता है क्योंकि इसी साल हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। नाज़रीन, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस 75 साल जश्न को ख़ास बनाने के लिए 75 हफ्ते पहले गुजरात के साबरमती से 12 मार्च 2021 को आज़ादी के अमृत महोत्सव का आगाज़ किया था। आज़ादी के इसी अमृत महोत्सव के तहत ही 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा मुहिम का भी अहतमाम अमल में लाया गया। दोस्तों, आज हम आज़ादी के इस 75 साल जश्न को आपके साथ मनाएंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि किस तरह से देश ने आज़ादी हासिल की और हमारे वीर सपूतों ने किस तरह से देश की खातिर अपनी जानों की कुर्बानी दी। हम और आप वाकई खुशनसीब हैं कि हम में से ज्यादातर हमवतनों ने आज़ादी की फिजा में आंखें खोली हैं, लेकिन मुजाहिदीन आज़ादी की कुर्बानियों को याद करना हम सबका अहम फर्ज है। मुल्क पर अंग्रेजी हुकूमत से निजात हासिल करने की दास्तान को अगर याद करें तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जाबिराना पॉलिसियों और हिंदुस्तानी अवाम के मुआशरती और माशी इस्तेहसाल से पैदा हुआ अदम इत्मीनान 1857 में हिंदुस्तान की पहली तहरीक आज़ादी के तौर पर सामने आया। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे की क़यादत में पूरी रेजिमेंट ने अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत का ऐलान कर दिया। बिहार में कुंवर सिंह, दिल्ली में बख्त खान, कानपुर में नाना साहेब और झांसी में वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई ने बरतानवी हुकूमत के खिलाफ कुर्बानी और बहादुरी की एक अनोखी मिसाल पेश की। 1857 की तहरीक के बाद छिड़ी लड़ाई से हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी के राज का खात्मा हो गया और 1 नवंबर 1858 के ऐलान के मुताबिक हिंदुस्तान में बरतानवी बालादस्ती को नाफिज कर दिया गया। बाद अज़ां स्वामी विवेकानंद ने रूहानी कौम परस्ती को फरोग देकर हिंदुस्तान की तामीर नौ को एक नई शक्ल देने का काम किया, तो बाल गंगाधर तिलक और अरविंद घोष के जरिए शुरू की गई स्वदेशी तहरीक की बदौलत आज़ादी की तहरीक अवाम तक पहुंच चुकी थी। कोलकाता में 1906 में मुनक्किदा कांग्रेस के एक इजलास में सदर दादा भाई नेहरूजी ने स्वराज हासिल करने का नारा दिया। इस दरमियान लाला लाजपत राय और विपिन चंद्रपाल ने स्वराज की जद्दोजहद को और तेज कर दिया। 1919 के जलियांवाला बाग के कत्लेआम ने तहरीक आज़ादी की मुहिम में घी डालने का काम किया और मुल्क का नौजवान तबका भी कुर्बानी के जज्बे के साथ आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़ा। एक तरफ जहां महात्मा गांधी की क़यादत में आज़ादी की लड़ाई अदम तशद्दुद के रास्ते पर गामजन थी, वहीं भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव, अशफाकुल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र नाथ लाही, ठाकुर रोशन सिंह और उधम सिंह जैसे निडर मुजाहिदों ने अपने वतन अजीज को अंग्रेज़ों से आज़ाद कराने के लिए इनकलाबी रास्ता अख्तियार किया और अंग्रेज़ों को ईंट का जवाब पत्थर से देने की कामयाब कोशिश की। तहरीक आज़ादी में विनायक दामोदर सावरकर ने भी जो कारहाए नुमाया अंजाम काबले जिक्र है। उन्होंने एक मुसन्निफ, मुजाहिद आज़ादी, शायर, सियासी रहनुमा और सामाजिक कारकुन के तौर पर अंग्रेजों के चंगुल से मुल्क को आज़ाद कराने में एक अहम और खास रोल अदा किया।
अगस्त 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो तहरीक की शुरुआत की। इस दरमियान नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज तश्कील दी। नेताजी का नारा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इस मकबूल नारे से उन्होंने सभी से तहरीक आजादी में शामिल होने की अपील की। दूसरी आलमी जंग के बाद 1946 में उबूरी हुकूमत की तश्कील की तजवीज दी गई और पंडित जवाहरलाल नेहरू की कयादत में उबूरी हुकूमत का कयाम अमल में आया। 15 अगस्त 1947 को एक आजाद मुल्क के तौर पर आलमी नक्शे पर हिंदुस्तान एक तारे की मानिंद चमक उठा और जवाहरलाल नेहरू मुल्क के पहले वजीर आजम बने। बरसों की जद्दोजहद और बेशुमार कुर्बानियों के बाद 15 अगस्त 1947 को जो आजादी हमें हासिल हुई उसका जश्न हम हर साल मनाते हैं। हर साल आज ही का दिन हर हिंदुस्तानी को जहां मुजाहिदीन आजादी की अजीम कुर्बानियों की याद दिलाता है, वहीं आलमी नक्शे पर एक मुनफरिद पहचान रखने वाले आजाद और जमहूरी हिंदुस्तान के शहरी होने पर हम सबको फख्र का एहसास भी कराता है। लहू वतन के शहीदों का रंग लाया है, लहू वतन के शहीदों का रंग लाया है, उछल रहा है जमाने में नामे आज़ादी। आज़ादी के मतवालों को याद करने के बाद हम आपको आज़ादी के जश्न की तरफ लिए चलते हैं और सुनते हैं हुब्बुल वतनी के नगमे। ऐसे ही नगमों को सबसे पहले पेश करने जा रही हैं नौजवान गुलुकारा श्रुति मिश्रा। तो चलिए उनकी आवाज़ से इस जश्न का आगाज करते हैं। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। है मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। बिछाए
जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो हिंदू सता हमारा सारे।
वतन के जानिसार हैं वतन के काम आएंगे, वतन के जानिसार हैं वतन के काम आएंगे, हम इस ज़मीं को एक रोज़ आसमां बनाएंगे।
नाज़रीन, अभी आप महसूस हो रहे थे श्रुति मिश्रा की आवाज़ में हुब्बुल वतनी के नगमों से। चलिए अब प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए दावत देते हैं आशुतोष शर्मा को, जो वतन अजीज की शान में लिखे गए नगमों को अपनी आवाज दे रहे हैं। मुझे जिस खाक ने पैदा किया उसमें समा जाऊं, तमन्ना है कि मैं अपने वतन के काम आ जाऊं। मुझे जिस खाक ने पैदा किया उसमें समा जाऊं, तमन्ना है कि मैं अपने वतन के काम आ जाऊं। मुझे जिस खाक ने पैदा किया वतन के काम आ जाऊं। मुझे जिस
अपने वतन के काम
प्यारे सुवन तिहारे फूट और मद के मारे बेहोश जो पड़े हैं उनको जगाएंगे हम परमेश अब हमें तुम पूरण पुनीत बल दो बिन आपके सहारे कुछ कर न पाएंगे हम सेवा में तेरी भारत तन मन लगाएंगे हम फिर स्वर्ग का सहोदर तुझको बनाएंगे हम सेवा में तेरी भारत सेवा में तेरी भारत सेवा में तेरी भारत मेरी जान है ईमान है मेरा ये देश मेरी जान है ईमान है मेरा है आन बान शान ये अभिमान है मेरा है आन बान शान ये अभिमान है मेरा ये मेरी जान है मेरी जान ये मेरी जान है मेरी जान धनक से धर्म है रुतो सी रीतिया धनक धनक से धर्म है रुतो सी रीतिया चमक दमक से वेश है सुरीली बोलिया चमक दमक से वेश है सुरीली बोलिया ये देश क्या है तीर्थ का स्थान है मेरा ये देश क्या है तीर्थ का स्थान है मेरा ये देश मेरी जान है ईमान है मेरा ये देश मेरी जान है ईमान है मेरा है आन बान शान और अभिमान है मेरा ये देश मेरी जान है ईमान है मेरा अलग स्वभाव है वतन तो एक है अलग अलग स्वभाव है वतन तो एक है तरह तरह के फूल है चमन तो एक है तरह तरह के फूल है चमन तो एक है ये देश मेरा धर्म है सम्मान है मेरा ये देश मेरा धर्म है सम्मान है मेरा देश मेरी जान है ईमान है मेरा ये देश मेरी जान है ईमान है मेरा है आन बान शान ये अभिमान है मेरा है आन बान शान ये अभिमान है मेरा ये मेरी जान है मेरी जान ये मेरी जान है मेरी जान है मज
मजहबों का मान तिरंगे के रंग में है, मजहबों का मान तिरंगे के रंग में है, एकता की शान तिरंगे के रंग में है, एकता की शान तिरंगे के रंग में, झुकने न दूंगा इसको ये ऐलान है मेरा, झुकने न दूंगा इसको ये ऐलान है मेरा, झुकने न दूंगा इसको ये ऐलान है मेरा, ये देश मेरी जान है ईमान है मेरा, ये देश मेरी जान है ईमान है मेरा, है आन बान शान और अभिमान है मेरा, है आन बान शान और अभिमान है मेरा, ये मेरी जान है मेरी जान, ये मेरी जान है मेरी जान, ये मेरी जान है मेरी जान, उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता, उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस मुल्क की सरहद की निगहबान है आंखें। आज़ादी का ये जश्न जैसे जैसे अपनी मंजिल तय कर रहा है, वैसे ही वतन अजीज से मोहब्बत परवान चढ़ रही है। अब इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको अलीश मोहन की आवाज़ में वतन से बेपनाह मोहब्बत को जाहिर करने वाले नगमे सुनवाते हैं। ना पूछो जमाने को क्या अपनी कहानी है, हमारी पहचान तो सिर्फ ये है कि हम सब कहता हूँ भारत माता का बेटा हूँ, अभिमान से कहता हूँ भारत माता का बेटा हूँ, सद्भावना से रहते हैं हम सब मिलकर ये कहते हैं, मेरा देश मेरी जान, ईश्वर अल्लाह में फर्क नहीं, हम बात करते हैं भक्ति की, ईश्वर अल्लाह में फर्क नहीं, हम बात करते हैं भक्ति की, संस्कृति है अपनी सदियों की, पूजा करते नदियों की भी, ये देव भूमि का मान है तिरंगा अपनी शान, देश मेरी जान है,
देश मेरी जान है, मेरी आन मेरी शान टकराते हैं पर कुछ भी कर ना पाते हैं, दुश्मन हमसे टकराते हैं पर कुछ भी कर ना पाते हैं, सीमा पे खड़े जवानों के बलिदान पे शीश झुकाते हैं, हम अपना शीश झुकाते हैं, हम अपना शीश झुकाते हैं, भारत माता के लाल है अपनी यही पहचान है, मेरा देश मेरी जान है, मेरी आन मेरी शान है, अभिमान से ये कहता हूँ भारत माता का बेटा हूँ, अभिमान से ये कहता हूँ भारत माता का बेटा हूँ, सद्भावना से रहते हैं हम सब मिलकर ये कहते हैं, मेरा देश मेरी जान है, मेरी आन मेरी शान है, मेरा देश मेरी जान है, मेरी आन मेरी शान है, मेरी आन मेरी शान है, सबसे रंगी तेरी शाम तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान,
पर्वत यहाँ सागर की लहरें दिलाती कल कल करती नदियाँ पल पल है संगीत सुनाती गगन चूमते पर्वत यहाँ सागर की लहरें दिलाती कल कल करती नदियाँ पल पल है संगीत सुनाते गंगा जमुना कृष्णा कावेरी की बहती जा धारा है हर रंग के फूल यहाँ खिलते ऐसा ये चमन हमारा है देश महान हमारा है कृष्ण की जन्मभूमि
अमर शहीदों के धरती, अद्भुत सुंदरता को इसकी देख तबीयत ना भरती। राम कृष्ण की जन्मभूमि, अमर शहीदों के धरती, अद्भुत सुंदरता को इसकी देख तबीयत ना भरती। इसकी पावन मिट्टी को हर एक निसर पर धारा है, हर रंग के फूल यहाँ खिलते, ऐसा ये चमन हमारा है, देश महान हमारा है। और सत्कार प्यार की खिलती है जो धूप यहाँ, अमित एकता का ऐसा ही रूप मिलेगा सिर्फ यहाँ। आदर और सत्कार प्यार की खिलती है जो धूप यहाँ, अमित एकता का ऐसा ही रूप मिलेगा सिर्फ यहाँ। भेदभाव नहीं धर्म जाति का, यही हमारा नारा है, हर रंग के फूल यहाँ खिलते, ऐसा ये चमन हमारा है, देश महान हमारा है। चैनो अमन का देश है मेरा, इस देश में दंगा रहने दो, इसे हरे लाल में मत बांटो, इसे शाने तिरंगा रहने दो। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम का होता है मिलन, यही अमर वीरता कर्म का संगम, नहीं मिलेगा और कहीं। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम का होता है मिलन, यही अमर वीरता कर्म का संगम, नहीं मिलेगा और कहीं। कर्म यही है धर्म यही है तीर्थ यही हमारा है, हर रंग के फूल यहाँ खिलते, ऐसा ये चमन हमारा है, देश महान हमारा है, हमको जा से भी प्यारा है, हर रंग के फूल यहाँ खिलते, ऐसा ये चमन हमारा है, ऐसा ये चमन हमारा है, ऐसा ये चमन। उम्मीद है नाज़रीन के यौम आज़ादी पर हुब्बुल वतनी के नगमों से सजी हमारी ख़ास पेशकश आपको पसंद आई होगी। इस शेर के साथ अब बारी है आपसे विदा लेने की। दिलों में हुब्बे वतन है अगर तो एक रहो, दिलों में हुब्बे वतन है अगर तो एक रहो, निखार ना ये चमन है अगर तो एक रहो। आज़ादी के 75 साल की आप सभी को मुबारकबाद। मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।